नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आई रुख करते हैं खबर की ओर। इमरान रिजवी ने कहा किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने किसानों के हित में अपने जीवन काल में अनेकों लड़ाइयां लड़ी। कारी में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती। कौशाम्बी में किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती किसान दिवस के रूप में आज पार्टी कार्यालय करारी में बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव इमरान हैदर रिजवी ने चौधरी साहब को सर्वप्रथम माला फूल चढ़ाकर उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने अपने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री शासन काल में किसानों के हित में आने को कार्य किया। आज जो भी किसान लाभ पा रहा है वह सब चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज भी देश का किसान उन्हें नम आंखों से याद कर रहा। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे जिले में साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें गोष्ठी बैठ करके किसानों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष नजमुल हसन ने भी किसान मसीहा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया तथा कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की जान होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को बढ़ाने का कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी का सदस्य बनाएं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। उक्त कार्यक्रम का नाम रहेगा चलो गांव की ओर अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर और उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाना निर्धारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष नजमुल हसन, सिद्धलाल पासी, वासुदेव यादव, समीप खान, राजेश सिंह, मोहम्मद असलम व भीम सरोज, फहीम खान, मोहम्मद चमन, बच्चा लाल पासी, किसान यूनियन जलाल कोरी, काशी प्रसाद कुशवाहा, मकसूद अहमद असाड़ा, राम प्रकाश गौतम, सूरज भान, अब्दुल कवि, वरिष्ठ कार्यकर्ता अब्दुल अली, समाज सेवी अख्तर अली आदि लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। भवदीय इमरान हैदर रिजवी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश करारी कौशाम्बी आदि मौजूद रहे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।